मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। सीरियल एक दूजे के वास्ते में इस वक्त तिवारी परिवार कर रहा है प्रीति की शादी की तैयारियां। रस्में शुरू भी हो चुकी हैं। इन्हीं सब रस्मों के बीच एक रस्म निभाई जा रही है जिसमें ब्राह्मणों को भोज करवाया जा रहा है। इस सेलिब्रेशन के मौके पर सुमन के दोस्त आदित्य भी मौजूद हैं, जो कि सुमन की मदद करने के लिए इस वक्त उनके साथ हैं। वैसे आपको बता दें कि सुमन से आदित्य की बढ़ती नजदीकियां श्रवण को मन ही मन में जला रही हैं। खैर, अभी हम बात कर लेते हैं सिर्फ इसी ट्रैक की जिसको इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए इस ट्रैक के बारे में जरा और भी जानकारी लेते हैं इस सीरियल की सुमन तिवारी से। तो बहुत धमाकेदार तरीके से हो चुका, लेकिन फिर अभी शादी फिर भी बाकी है और इस दौरान जैसे मैंने पहले भी पूछा था, काफी ऑब्स्टेकल्स आने की संभावना लग रही है। हाँ, तो उस पर कुछ ऑब्स्टिकल्स तो आई डोंट से क्या, बट अभी वेडिंग रिलेटेड ऑब्स्टिकल्स तो काफ़ी कम हो गए हैं। जितने इश्यूज थे वेन्यू को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर, सारे अरेंजमेंट्स को लेकर, आई थिंक वो सब काफ़ी सॉर्टेड हो गए हैं। अभी इश्यूज दूसरी जगह हैं, इट्स ऑफकोर्स बिटवीन श्रवण एंड मी, एंड आई डोंट थिंक दोज इशूज़ आर गोइंग टू एंड एनी टाइम सून। शादी शायद ख़त्म हो जाएगी, फिर भी ये इशूज़ चलते रहेंगे। सो दैट्स द ओनली काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल राइट नाउ। अच्छा, यहाँ पे कुछ विधि चल रही थी शायद, तो क्या थी? वो एक विधि होती है जिसमें हम ब्राह्मणों को खाना खिलाते हैं, क्योंकि इसमें तिवारी परिवार दिखाया गया है। तो ये एक ट्रेडिशन होता है जिसमें लड़के वालों के घर से कच्चा खाना आता है, लड़की वालों के यहाँ बनता है एंड फिर ब्राह्मणों को भोज देते हैं, एंड ओनली आफ्टर दैट यू नो यू कैन सिट एंड यू कैन ईट एंड डू ऑल दैट। तो इस समय वो वाली जो एक रीत थी वो निभाई गई है। लास्टली, आपके जले पर नमक छिड़कने कोई तो आया है जो आपके और श्रवण के बारे में चीज़ें? कोई भी नहीं आया, आपको बहुत ही कोई भी नहीं आया, मुझे कुछ नहीं पता है। कोई नहीं आया। तो ये थी सीरियल एक दूजे के वास्ते की सुमन तिवारी। फिलहाल इसी खबर के साथ फिल्मी बीट में बस इतना ही।